हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमें ई टेंडर प्रोक्योरमेंट के पोर्टल में टेंडर अपलोड करने के लिए जावा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी ई टेंडर की साइट पर लॉगिन बटन शो नहीं हो रहा था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था जावा, जो कि आपके सिस्टम में होना चाहिए। और आपको कितने बिट का जावा कंपैटिबल है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाओगे, आप यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे। वहां पर आपको जावा रन करने के लिए जावा के लेटेस्ट वर्जन जावा JRE को डाउनलोड करना है। जावा डाउनलोड, यहां सबसे ऊपर डाउनलोड जावा आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज शो होगा। यहाँ पर आपने ऑफलाइन इंस्टॉलर पे जाना है। ऑफलाइन इंस्टॉलर पर क्लिक करने के बाद आपने ऑल जावा डाउनलोड्स पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जावा के बहुत सारे टाइप्स शो होंगे। ये देखिए, तो आप यहाँ सिंपल विंडो ऑफलाइन के लिंक को डाउनलोड कर लीजिए और जो जावा रन का एरर है इसके अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो जावा है वो डाउनलोड हो रहा है, और ये जावा का लेटेस्ट वर्जन है JRE 8U 361। यहाँ पर आपका जावा डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप शो होगा, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, और यहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पर आपका जावा डाउनलोड हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आप जावा की सेटिंग करेंगे। उसके लिए आप जावा पे जाएंगे और यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर जावा पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर जावा पे क्लिक करने के बाद आपको जावा का कंट्रोल पैनल शो होता है, और यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर आ जाएंगे। सिक्योरिटी पर आने के बाद आपको इसको वेरी हाई कर देना है, और यहाँ पर आपको साइट लिस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये साइट लिस्ट है। यहाँ पर आपने ई प्रोक्योरमेंट के किसी भी स्टेट का जिसका आप टेंडर भर रहे हो उसके URL को कॉपी कर लेना है। उसके लिए आप पहले URL को कॉपी करेंगे। आप यहाँ पे ई टेंडर की कोई भी साइट ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर आपने ई प्रोक्योरमेंट के URL को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप एडिट साइट लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप ओके कर देंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में जावा आसानी से काम कर रहा है, और इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद हम जावा की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए आप अपने सिस्टम में ई प्रोक्योरमेंट की किसी भी स्टेट की साइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने सिस्टम में DSC को प्लगइन कर रखा है, और यहाँ पर आप अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे। और यहाँ पर आप रन कर देंगे। रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर में लॉगिन का ऑप्शन है वो आ चुका है जावा की सेटिंग के बाद। और अगर आपके सिस्टम में किसी स्टेट की साइट ओपन नहीं हो रही है तो आपने जावा कंट्रोल पैनल में उस साइट को ऐड कर लेना है, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। और दूसरी चीज़, आपको ये पता करना है कि जो आपका जावा है कितने बिट का है, तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ पर आप
कन्फिगर जावा पे जाएंगे। कन्फिगर जावा पर जाने के बाद आपका जावा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप जावा पे जाएंगे। जावा पे जाने के बाद आप यहाँ पे व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आर्किटेक्चर जो दिख रहा है वो x86 का है, यानी ये 32 बिट का है। जितने 32 बिट के एप्लीकेशन होते हैं, जो उसका आर्किटेक्चर होता है वो x86 में आता है। और अगर यहाँ पर x64 बिट लिखा होता तो 64 बिट का जावा यहाँ पर होता, जो कि आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं है, और उसको आपको अनइंस्टॉल करके, जो मैंने अभी आपको जावा की सेटिंग बताई है वैसे आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि जावा आपके सिस्टम में कंपैटिबल होगा और आप किसी भी स्टेट के टेंडर को फिल कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो था ये जावा की सेटिंग का था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।